नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ खुशी का माहौल है। और ये खुशी का माहौल पीछे बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पे जो गाना है, योगी जी आए हैं, योगी जी ही आएंगे, ये गाना लगातार बज रहा है। और जैसा कि स्क्रीन पे आंकड़े आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत के ही आंकड़े आ रहे हैं। हमारे संग में यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं जो कि कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता भी हैं और साथ में समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा रखने वाले वो लोग हैं। आइए बातचीत करते हैं इनसे कि नमस्कार सर, आपको क्या लगता है, पहले तो ये बताइए कि बरेली के विषय में आपको क्या लगता है 9 की 9 विधानसभाओं के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से योगी और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके के कार्य हुए हैं, सोशल वंचित और नीचे तबके के लिए सारे कार्य किए गए हैं, तो हम कहते हैं कि अभी रुझान आना बाकी है, तो रुझानों पे आप इंतज़ार करिए, समय अभी बाकी है। हम 9 की 9 सीटों पे अपना परचम लहराएंगे। तो सर, ये जो आप परचम लहराने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विषय में आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे योगी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से गरीब तबका, मजदूर तबका और जो श्रमिक जो आए हुए थे लॉकडाउन के अंदर, इतने बड़े कार्य हुए हैं, उसका ही नतीजा आज आप रुझानों में देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में बन रही है। यही मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आपने जाना, और आइए इसी श्रृंखला में जोड़ते हैं, हमारे संघ में एक और समाज सेवी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का अभी जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल से कहीं ना कहीं जनता में महंगाई को लेकर के जो खासा नाराजगी सामने आ रही थी, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे का कार्यकाल जनता के दिलों को जीत करके पूरा करेगी क्या? जी, जनता अपनी जगह बिल्कुल सही है। और ये जो विपक्ष कहता है बार बार कि जो है बहुत महंगाई है, महंगाई है, हम ये जानना चाहते हैं उस विपक्षी लोगों से, पार्टियों से, कि अगर महंगाई है तो फिर ये सामने जो हो रहा भी क्या है। हम ये पूछना चाहते हैं विपक्षियों से कि अगर महंगाई है तो ये पूर्ण बहुमत की जो जीत हासिल हो रही है, ऐतिहासिक जीत इस बार एक बार पुनः हमें देखने को मिल रही है, और ये सब क्या है? विपक्ष तो विपक्ष बात करेगा, उसके समर्थन में हम नहीं हैं, समर्थन में हम तो बस अपने योगी जी के समर्थन में हैं और हमेशा रहेंगे। जय भाजपा, तय भाजपा। तो आपने जाना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे स्वयं आने वाले हैं। और इस श्रृंखला में आगे हमारे संग में एक भैया और जोड़ रहे हैं और जानकारी लेते हैं कि भाई से कि जैसा कि इलेक्शन के चलते एक हिजाब का मैटर उठा था, तो उसमें आपको क्या लगता है कि दूसरा समुदाय भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है और दूसरे समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है क्या? बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, हिजाब से कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी पार्टी के लिए, और उसका उल्टा लाभ मिला है। उसी वजह से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इसका लाभ आगे भी मिलता रहेगा समाज के लिए। ये तो खुशी का माहौल है, आज खुशी के माहौल में हमें खुशी मनानी चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि अगर महंगाई का मुद्दा होता और लोगों को पता होता, जनता जनार्दन का प्यार हमें इस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा पुनः एक बार योगी सरकार बन रही है। और तो एक चीज़ और जानकारी लेते हैं कि महिलाओं को लेकर के आप क्या कहेंगे कि महिलाओं के लिए सरकार अब क्या नए नियम और क्या सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रही है? सुरक्षा व्यवस्था पहले ही से काफ़ी सरकार ने दे रखी है, अब सुरक्षा इससे ज़्यादा और होगी। लेडीज़ जो हैं उनके लिए सवारी जो गाड़ियों में मुफ्त करी जाएगी, सुविधा उनको सबसे ज़्यादा मिलने जा रही है योगी सरकार में, उन्हें सवारी का टिकट लेना नहीं पड़ेगा, जो भी है फ्री होगा सब लेडीज़ों के लिए। अच्छा, इलेक्शन से पहले जो सरकार मैनिफेस्टो देती है, तो उसके देखा गया है ज़्यादातर कि जीतने के बाद वो सरकार उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी उस मैनिफेस्टो पे खरी उतरेगी क्या? जैसा पिछली बार खरी उतरी थी, इस बार भी खरी उतरेगी, इसीलिए जनता का प्यार मिला है और रुझानों के माध्यम से, और हम अपनी पुनः सरकार बनाइए, यही मैं बार बार बता रहा हूँ कि जनता के प्यार की वजह से ही हम दोबारा सरकार बना पाएँ, और जितने भी मुद्दे हमारे पिछली सरकार ने पूरे किए थे, अब उससे बढ़ चढ़ के मुद्दे पूरे करेगी और अपनी जनता को सुविधाएँ देगी। जो काम रहेगा वो भी करेगी, जो काम अतीत में पूरे नहीं हो पाए हैं, जो कोरोना काल में हमारे सम्मानित योगी जी ने वादे किए हैं वो नहीं हो पाए हैं, तो वो फिर एक बार सरकार बनने के बाद वो जो सरकार बनी है उसमें कार्य पूरे करेंगे जो रह गए हैं।
तो जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्य को नहीं कर पाई है आगे चल के कार्य को पूरा करेगी। मैं अपने चैनल बरेली लाइव के लिए कौशिक टंडन।